तो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक इन अनदर गेम प्ले ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 19। तो लास्ट गेम प्ले में अपनी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन अब जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने ट्रैक्टर वगैरह हैं वो दोनों स्टक हो चुके हैं मड में। तो उसके टोचन के लिए मैं तो भाई अर्जुन को लेके आया था। भाई एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को अर्जुन। तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं वापस चलता हूँ क्रेन के अंदर। तो भाई वाइपर वगैरह ऑन है, तो बारिश काफ़ी ज़ोरों की चल रही है अभी बाहर, जिसकी वजह से मेरा बाहर जाना बहुत मुश्किल है। और जो ट्रॉली है वो आप लोग देख सकते हो यार कि कितनी बुरी तरह से बीच में फंसी हुई है, और ऊपर से सर्दियों का मौसम है तो मैं भीगना नहीं चाहता अभी। तो पता नहीं अभी ये बारिश कितनी देर के लिए और चलेगी, बट अभी जो अपना सारा काम वो रुका हुआ है। तो मैंने अर्जुन मंगवाया था भाई इसी चीज़ के लिए कि जो अपना अर्जुन आएगा और इसको निकालेगा झट से, और झट से जाएंगे 100 मील में और यहाँ पे अपने जो लकड़ी वो बेच के आएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीज़ों पे पानी फिर गया। तो चलो कोई बात नहीं भाई, मैं फिर रिस्क ले ही लेता हूँ भाई, कोई बात नहीं। तो ट्रैक्टर जब वो पूरी तरह से फंसा हुआ है यार यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कितनी गंदी हालत है यार ट्रैक्टर की। तो वो तो कोई बात नहीं, वो धो देंगे, लेकिन यहाँ से निकलना चाहिए भाई। इंजन स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई जिस जैसे जैसे बारिश हो रही है ये ट्रैक्टर और ट्रॉली बीच में और धंस रहे हैं। तो जो ट्रॉली वो पीछे से लग चुकी है यार, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ रही यार, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, बारिश की आवाज़ सुन सकते हो यार कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और अगर कोई ठंड में भीग जाए तो भाई आप लोग समझ सकते हो क्या हाल होगा भाई उसका। और भाई 4 टायर आगे लग गए भाई इसके अर्जुन के, 2 टायर पीछे हैं, तो मतलब पूरे टायर 6 टायर हैं भाई इसके अंदर। लेकिन अगर ये भी काम ना आया फिर किस काम का भाई ये। लेकिन चेक करते हैं, चलो इसकी पावर चेक करते हैं। तो भाई मिट्टी कितनी ज़्यादा धंस चुकी है यार यहाँ पे। तो हम लोग करें भाई फॉरेस्ट्री का चैलेंज। अरे भाई ये तो खुद ही धंस गया। पावर अच्छी लग रही है यार इसके अंदर, अगर सच में बोलूँ तो पावर काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। और साउंड भी है इसकी इंडिकेटर की, आई थिंक अटैच हो गया। ये वॉइस हो गया अटैच। तो चलो बात सुन रहा था मेरी, तो करते हैं फिर इसको भी स्टार्ट, है ना। तो अपना जो मैसी है वो भी स्टार्ट हो गया, मैंने सोचा था कि अपना जो मैसी वो नहीं फंसेगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं फिर, इसीलिए मैं अर्जुन लेके आया था भाई इसीलिए। अरे सीधा चल भाई, फिर से नहीं फंसना चाहता मैं यहाँ पे मिट्टी में। तो अर्जुन कहीं और जा रहा है, मैसी कहीं और जा रहा है, तो इसको हटा ही देता हूँ भाई। ऐसा करता हूँ मैं टोचन को हटा देता हूँ, जो काम इसने अपना करना था वो कर दिया यार। तो इसको निकालते हैं बाहर। तो अर्जुन ने आते ही अपना यार कमाल धमाल दिखा दिया, और जो ट्रैक्टर को झट से बाहर निकाल दिया यार, बहुत ही बढ़िया लगा यार अर्जुन का काम मेरे को। तो इसको यहीं पे रखते हैं फिलहाल के लिए। तो मिट्टी देखो यार कितनी ज़्यादा यार इसके अंदर। तो भाई इसको भी अभी स्टार्ट करते हैं फिर, अभी ये फिर से नहीं फंसना चाहिए यार। लो फिर से वही बात हो गई यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो पहले यार बहुत ज़ोर लगा रहा था यार इसका, लो हाई का कुछ चक्कर लग रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अर्जुन पड़ा हुआ अपने पास, तो इसको जल्दी से लेके जाएंगे। बहुत पावर है भाई अर्जुन के अंदर, बहुत पावर है यार, अर्जुन कुन्नर है भाई ये वाला। तो भाई ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है अभी मेरे को, क्योंकि मैं बहुत पूरी तरह से भीग चुका हूँ। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं भाई। अरे भाई लग जा, लो भाई हो गया स्टार्ट। इसको स्टार्ट करते हैं इंजन को। अभी कितना इजीली निकल रहा है यार ये, कुछ तो दिक्कत है भाई।
मैं ट्रैक्टर को थोड़ा सा सीधा करूँगा भाई। बादल की साउंड ऐसे आ रही है बिजली कड़कने की, जैसे बेस होती है ना पूरी, वैसी सेम साउंड आ रही है। लो यार भाई अपना काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया भाई अपने अर्जुन ने। तो फाइनली यार हम लोगों ने निकाल लिया। अरे भाई फिर से नहीं धंसनी चाहिए, निकल जा भाई। मेरे को लग रहा है अर्जुन को ना अपने को सड़क तक लेके जाना चाहिए। तो ये तो दिक्कत वाली बात होगी भाई, अब इसको फिर से निकालना पड़ेगा यार। और मेरे को बाद में इतनी ज़्यादा हंसी आई कि मेरे को बाद में जब पता चला था ना लास्ट वीडियो को लेकर कि जो मेरा माइक है वो ऑफ पड़ा हुआ है, तो मेरे को बाद में इतना ज़्यादा बुरा लगा ना अपने ऊपर। तो उसके लिए सॉरी, फिर मेरे को लास्ट में वहाँ पे नो कमेंट्री लिखना पड़ा यार भाई। ले गया ले गया भाई, ले गया खींच के ले गया। इस साइड चल भाई, इस साइड। और अभी जो पिछला ट्रैक्टर है वो अभी न्यूट्रल में है यार, वो अभी तक ना स्टार्ट भी नहीं किया करा मैंने। तो मेरे को यार मैसी की जगह अर्जुन लगाना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली गाइस अपना जो यहाँ पे जो चैलेंज था वो हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। आप लोग बताना यार ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यार, क्योंकि ये काफ़ी टफ हो जाता है सिचुएशन। तो जल्दी से आके अभी मैं रिलैक्स करता हूँ पहले, और टावल वगैरह यूज़ करूँगा मैं, है तो है नहीं कुछ भी, कपड़ा वगैरह यूज़ कर लूँगा। मशीन के अंदर चेक करूँ कुछ है भी है कि नहीं। भाई बहुत ठंड लग रही है यार बाहर, देख सकते यार कितनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है बाहर। तो टायर वगैरह इसके भी यार फंसे हुए हैं पानी के अंदर, यहाँ पर आप लोग पानी देख सकते यार कितना ज़्यादा लगा हुआ है, तो आगे से तो देख नहीं सकते। तो मशीन जो है वो निकल जानी चाहिए आसानी से, तो इसको बाद में खेत में लाएंगे हम लोग जब बारिश वगैरह रुक जाएगी। तो मशीन के अंदर तो काफ़ी पावर है यार। ये देखो भाई बहुत ही आसानी से निकल गई, यहाँ पे आके फंस गई यार। यहाँ पे क्या चक्कर है? तो मशीन के अंदर तो काफ़ी पावर है यार, बट पावर तो अपने मैसी के अंदर भी है यार। बट जो दिक्कत आ रही थी वो ट्रॉली की आ रही थी, क्योंकि ट्रॉली जो काफ़ी हैवी है यार, क्योंकि उसके बीच में हमने लोगों ने लकड़ी वगैरह रखी हुई है, जिसकी वजह से जो उसका वेट है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया। और ऊपर से ये जो बारिश है और ऊपर से बादल देख सकते हो यार कितने ज़्यादा घने बादल हो गए यार बारिश की वजह से। तो टायर वगैरह देखो यार आप लोग पहले, भर भर के कीचड़ भरा हुआ है यार वैन से, पूरी ट्रॉली यार पूरी फुल हो चुकी है कीचड़ के साथ ही। तो वो भी जो उसका भार है ना डबल हो गया था, जो लकड़ी का भार है बारिश की वजह से। तो लो यार, तो इसको बाद में मैं सोच रहा हूँ बाद में लेके जाऊँगा खेत में, ऐसा ना हो कुछ ज़्यादा दिक्कत आ जाए, तो इसको साइड में लगा देंगे कि किसी को दिक्कत भी ना हो। और बाकी अपने ट्रैक्टर वगैरह ने तो बहुत अच्छा काम किया। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को पता है मेरे भाई क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आरजी गेमिंग एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी जो अपना चल रहा है वो फॉरेस्ट गेमिंग चैनल चल रहा है, मतलब कि जो इंडियन मोड में वो फॉरेस्ट कटिंग का चैलेंज चल रहा है भाई। तो यहाँ पर अभी तो बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है यार, क्योंकि यहाँ पे अपना पूरा यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो जंगल अब पड़ा हुआ है भाई काटने के लिए, और इसकी जैसे कि ठेकेदार वगैरह था वैसा काम रखा हुआ है भाई हम लोगों ने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं बहुत देर बोलता रहूँगा और आप लोगों को बोर करता रहूँगा।